हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सुनाने जा रही हूँ पति पत्नी की एक बहुत ही सुंदर कहानी, तालाक। जब मैं रात को घर पहुँचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। वो शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द सा साफ नजर आ रहा था। अचानक मुझे नहीं पता कैसे कहूँ, मगर मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तालाक चाहिए। लगा जैसे उसे मेरे शब्दों से कुछ फर्क नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, क्यों तालाक चाहिए। मैंने उसके सवाल को अनसुना किया तो उससे गुस्सा आ गया। उसने चम्मच उठाकर फेंक दिया और जोर से चिल्लाई, तुम इंसान नहीं हो। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं की। वो रो रही थी। मुझे पता था कि वो जानना चाहती थी कि आखिर ऐसे क्या हुआ जो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना नामुमकिन था। मैं अब किसी और से, प्रिया नाम था उसका, प्यार करने लगा हूँ। अब मुझे उससे प्यार नहीं रहा। मैंने उसे उसके वर्षों के प्यार की सजा दी थी। भरे मन से मैंने तलाक के पेपर तैयार किए। उसमें लिखा था कि वह पूरा घर, कार और कंपनी की 30% शेयर ले सकती है इस तलाक के बदले में। लेकिन उसने उन पेपर्स को देखा और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिया। वो औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए थे, वो आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मगर मैं क्या करूं, जो हो चुका उसे मैं बदल नहीं सकता था, क्योंकि मैं किसी और से, अपनी पत्नी से भी ज़्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर मेरे सामने रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना एक तरह से उसकी रिहाई की तरह था। तलाक के ये बात जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी, अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अगले दिन मैं घर काफ़ी लेट आया। मैंने देखा कि वह टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही थी। मैंने शाम का खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी मैं सीधे ऊपर जाकर अपने कमरे में सो गया, क्योंकि पूरा दिन प्रिया के साथ रहने और कई जगह घूमने के बाद मैं थक गया। वो शायद रात को उसी टेबल पर लिखते लिखते सो गई थी। सुबह उसने तलाक देने की शर्तें बताई। वे मुझसे कुछ भी नहीं लेना चाहती थी। उसे सिर्फ तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए था। उसने आग्रह किया कि इस 1 महीने में हम दोनों वही पुराना वाला जीवन जिए जितना संभव हो सके, क्योंकि आने वाले महीने में हमारे बेटे का परीक्षा है। वह नहीं चाहती थी कि हमारे टूटे रिश्ते का प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़े। मुझे भी यह ठीक लगा, मगर वे कुछ और भी चाहती थी, जैसे शादी के दिन मैं उसे उठाकर अपने शयन कक्ष तक ले गया था, उसी तरह हर रोज 1 महीने तक मैं उसे शयन कक्ष से उठाकर मुख्यद्वार तक ले जाऊं। मुझे लगा ये पागलपन है, मगर इन आखिरी दिनों को थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने उसका शर्त स्वीकार कर ली। मैंने प्रिया को अपनी पत्नी की सभी शर्त बताई। वो हंसने लगी। उसे लगा मेरी पत्नी कितने भी तरीके अपना ले, तलाक होना तो तय है। मेरी पत्नी और मैं किसी से भी इस दौरान नहीं मिले थे, लेकिन उस दिन जब मैं उसे पहली बार उठाकर गेट तक लेकर गया तो हम दोनों काफ़ी अजीब महसूस कर रहे थे। पीछे भी हमारा बेटा खिलखिलाकर खुश हो रहा था। अगले दिन यह काम थोड़ा सामान्य और आसान हो गया। वह मेरे सीने से लगी थी और मैं उसकी
खुशबू महसूस कर रहा था। ऐसा लगा जैसे कई दिनों बाद मुझे ये खुशबू मिल रही थी, या फिर कई दिनों से मैंने उसके होने का महसूस नहीं किया था। चेहरे पर कुछ हल्की झुर्रियां नजर आ रही थी और बाल भी सफेद होने लगे थे। वे वही औरत थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे समर्पित किए थे। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो वो पुरानी रोमांच लौटने लगी थी। पांचवे दिन और छठे दिन भी पुराना प्यार फिर जगने लगा। मैंने प्रिया को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। अब उसे उठाना और आसान हो गया था। एक दिन वह अपनी पसंद की साड़ी निकाल रही थी, लेकिन कुछ खास नहीं ढूंढ पाई। उसने सांस भरते हुए कहा कि उसके सारे कपड़े बड़े पड़ने लगे हैं। तब मुझे पता चला कि वह काफी दुबली हो गई है और इसीलिए मैं उसे आसानी से उठा पा रहा था। मेरे दिल को एक झटका सा लगा। उसने अपने दिल में काफी सारा दर्द छुपा रखा था। पता नहीं कैसे मैं आगे बढ़ा और उसके सिर को छूकर देखा। अचानक हमारा बेटा आया और बोला कि पापा, ये तो मम्मा को उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मा को इस तरह उठाकर ले जाते हुए देखना जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया था। मेरी बीबी ने हमारे बच्चे को बुलाया और जोर से उसे गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगा कहीं मैं अपना निर्णय न बदल लूं। मैंने अपनी पत्नी को रोज की तरह उठाया और बेडरूम से सिटिंग रूम होते हुए हाल तक लाया। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के आसपास रख दिए। मैंने उसे जोर से पकड़ रखा था, बिल्कुल हमारे सुहागरात की तरह। मगर उसका इतना कम वजन मुझे परेशान कर रहा था। महीने के आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए एक कदम भी चल पाना मुश्किल हो रहा था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैं अपनी कार से ऑफिस गया और कार से कूदकर बाहर आ गया बिना कार को लॉक किए। मुझे डर था कि अब एक पल को भी देरी मेरा इरादा बदल देगी। मैं ऊपर गया। प्रिया ने दरवाजा खोला और मैंने उससे कहा, सॉरी प्रिया, अब मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता। उसने मुझे देखा और मेरे सिर पर हाथ फेरकर कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं है? मैंने उसका हाथ हटाया और कहा, सॉरी प्रिया, आप मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। हमारी शादीशुदा जिंदगी शायद हम दोनों के ध्यान ना देने की वजह से बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मुझे एहसास हुआ कि जिस दिन मैं उसे शादी करके अपने घर लाया था, उस दिन से जीवन के आखिरी दिन तक मुझे उसका साथ निभाना है। प्रिया के होश उड़ गए। उसने मुझे एक जोरदार चाटा जड़ दिया मेरे मुंह पर। वो रोने लगी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और आकर अपने कार में बैठ गया। आगे एक फूल वाले की दुकान पर रुका और अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक सुंदर सा गुलदस्ता लिया। दुकानदार ने पूछा कि इस पर क्या लिखना है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें जीवन के आखिरी दिन तक यूं ही उठाता रहूंगा, मेरी अर्धांगिनी। उस शाम जब मैं घर आया, हाथों में गुलदस्ता लिए, मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ भाग कर गया, लेकिन तब तक वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी।
हमेशा के लिए। वो कई महीनों से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन मैं प्रिया के साथ इतना खोया हुआ था कि कभी ध्यान ही नहीं दिया। उसे पता था वह जल्दी ही मुझे छोड़कर जाने वाली है, इसलिए वो मुझे और मेरे बेटे के रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी। मैं नीच उससे तालाक लेना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने बच्चे की नज़रों में एक प्यारा पति और पिता बना दिया था। जीवन की छोटी छोटी बातें रिश्ते में बहुत महत्व रखती है। बड़ा घर, बड़ी कार और बैंक बैलेंस ये खुशियों का हिस्सा जरूर बन सकते हैं, मगर अपनों के बिना इनकी कोई कीमत नहीं।